हेलो फ्रेंड्स, जीएस किचन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो आइसक्रीम का रेसिपी, जो घर पे आप आसानी से कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए हम 2 टेबल स्पून व्हीट फ्लोर लेंगे, जिसे हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। अब हम इसे 1 कप दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि कोई भी लम्स आटे में ना रहे। मैंने यहाँ पर दूध एक साथ नहीं डाला है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जा रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए विस्कर की सहायता से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सर रेडी हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखना है। अब हम उसी कप की सहायता से 4 कप दूध ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से मीडियम हीट पर उबाल लेते हैं। अब हमारा जो मिक्सचर रेडी हुआ है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। आपको इसे हिलाते रहना है, ताकि ये हमारा जो आटा है वो कढ़ाई में चिपके ना। अब हम इसमें 1 बॉल शुगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो पूरी तरह से पक चुका है और थोड़ा ठीक भी हो गया है। तो इस कंसिस्टेंसी पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हमारे बैटर को हम 1 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। इसमें अब हम कटा हुआ मैंगो भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बॉक्स में तीन घंटे होने के बाद हम इसे फ्रीजर से निकालते हैं, इसे ओपन करेंगे और दोबारा इसे ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करते टाइम हम दोबारा जब ग्राइंड करेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा मलाई भी ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मलाई ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यू इसे फेंट लेते हैं मिक्सर में। इसके बाद दोबारा हम कंटेनर में इसे रख देंगे और हम इसे कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे, या फिर आप एक रात भर भी रख सकते हो। पूरा फ्रीज होने के बाद इसे हम दोबारा खोलेंगे 9 घंटे के बाद। आप देखेंगे कि हमारा जो आइसक्रीम है वो अच्छी तरह से जम चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस पर हम कोकोनट पाउडर और पिस्ता से इसे गार्निश कर देते हैं। हमारा जो मैंगो आइसक्रीम है वो बनकर रेडी है।